हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। हाँ जी, प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल। हाँ जी, तो 10 बजे आपका सेशन था, बट सॉरी बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको पता है, एचपी जीके के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज में सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर लिए है। तो अब जो हमारे टॉपिक्स रहते थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, डांस फॉर्म से रिलेटेड, फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड, वो आज हम करेंगे 50 एमसीक्यूज में। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरे वीक का जो है शेड्यूल है। आज आपकी एचपी जीके और रीजनिंग की क्लासेस है, और ऐसे ही सब्सिक्वेंट वीक पे आप देख सकते हैं कौन सी क्लास कब है, राइट। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, आप ये देख लो, हमने जो है टेबल में हम अपने टॉपिक्स डिवाइड किए हैं और कितने क्वेश्चंस आज होने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे आप देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल में से 10 क्वेश्चंस हम करेंगे। हिमाचल में अब हिस्ट्री जो है वो आपकी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में डिवाइडेड है, और एक कंपोनेंट आपका प्रजामंडल मूवमेंट का भी है, राइट। इसमें से हम करेंगे ट्राइब्स, फेयर्स और डांसेस, और आपकी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इस कंपोनेंट से हमने देखा था लास्ट ईयर भी, आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे मियां गोवर्धन सिंह से, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा पूरा रूपरेखा रहेगी, कैसे कैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट सेक्शन से, जो हमारा है ज्योग्राफी। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, तो अभी तक तो पेपर पोस्टपोन नहीं है, तो लेट्स होप कि उसी डेट पे है, तो उसी तरीके से तैयारी करते हैं। तो काफी लोग आगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है पीर पंजाल ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ। सेकेंड है आपका धौलाधार इज इंटरसेप्टेड बाय रिवर सतलुज एट रामपुर बुशहर एंड बाय रावी एट लारजी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, राइट। तो सीधी सीधी स्टेटमेंट है आपकी, राइट, ईजी है, कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। हाँ जी, करेक्ट बताना है आपको, कोड्स आपको गिवन है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू। हाँ जी, वन का डी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है जी। तो देखिए, आंसर है इसका डी, धौलाधार जो है वो ग्रेट हिमालय से ब्रांच ऑफ करती है बद्रीनाथ में। दूसरा है धौलाधार इज इंटरसेप्टेड बाय सतलुज एट रामपुर बुशहर एंड ब्यास एट लारजी और रावी एट साउथ वेस्ट ऑफ चंबा, ठीक है। ये तीन आपके फैक्ट्स थे, ये रिवर्स है डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे आपकी इंटरसेप्ट करती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट है पीर पंजाल बाइफरकेट्स फ्रॉम ग्रेट हिमालय रेंज नियर द बैंक ऑफ रिवर सतलुज। सेकेंड है पीर पंजाल बेंड्स टुवर्ड्स धौलाधार नियर द सोर्स ऑफ रिवर रावी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और नन ऑफ द अबव। हाँ जी, तो लास्ट टाइम आपके इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े देखने को मिले थे, राइट। हाँ जी, टू का डी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, बाकी लोग भी रीड कर लीजिए आराम से। हाँ जी, तो पीर पंजाल और धौलाधार के बारे में हमें थोड़ी क्लैरिटी होना जरूरी है, और अगर मैप बेस्ड क्लैरिटी हमें हो तो क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस है। हाँ जी, टू में ए भी नजर आ रहा है, सी, डी, तीन ऑप्शंस जो है नजर आ रहे, तो चलिए देखते हैं, आंसर है आपका डी। अब पीर पंजाल जो है आपका वो बाइफरकेट करती है ग्रेट हिमालयन रेंज से नियर द बैंक ऑफ रिवर सतलुज, राइट, which forms the water parting between Chenab on one side and Bias and Ravi on other side. तो अगर आपको मैप याद है और आप रिवर्स विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो आप जरूर ये कोरिलेट कर पाएंगे इस स्टेटमेंट से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पीर पंजाल बेंड्स टुवर्ड धौलाधार रेंज नियर द सोर्स ऑफ रिवर रावी, जो कि कहाँ है आपका, बड़ा बंगाल में, ठीक है जी। तो एज इट इज ये स्टेटमेंट्स, हाँ, देखी गई है एग्जाम में, एज इट इज आ जाती है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए, इजी क्वेश्चन है, पिजौरे एंड शिकरी आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, पिजौरे और शिकरी। तो अब आपसे मेन रिवर्स जो हैं
उनकी ट्रिब्यूटरी काफी हद तक जो है क्लियर रहती है सबको, इसीलिए आपकी ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज यहां पूछी गई है, स्पीति स्वान पब्बर गिरी। हाँ जी, सी कह रहे हैं कुछ लोग, डी कह रहे हैं कुछ लोग, हाँ जी मैक्सिमम लोग सी कह रहे हैं, बीच में ए भी आ रहा है विशाल और शाम का। तो देखिए आंसर इसका है सी पब्बर, ये पब्बर की ट्रिब्यूटरी है, एंड आई होप आपको याद है कि पब्बर जो है वो ट्रिब्यूटरी है तौंस की, फिर तौंस आपकी यमुना की, राइट। पब्बर डायरेक्टली आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, जबकि गिरी की हम बात कर रहे हैं जो कूपर पीक से ओरिजिनेट हो रही है जुब्बल से, वो डायरेक्टली यमुना की ट्रिब्यूटरी है, राइट। जबकि दोनों पब्बर और गिरी आपकी शिमला से ओरिजिनेट हो रही है, पर दोनों में फर्क ये है कि एक तौंस की ट्रिब्यूटरी है फिर यमुना की, और गिरी आपकी डायरेक्टली यमुना की, राइट। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपकी चुंग शिकागो पास लाइज एट द हेड ऑफ बास्पा रिवर। सेकेंड है कामरू एंड सांगला आर टू पॉपुलस विलेजेस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ बास्पा रिवर। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, आपको बताना है, डायरेक्टिव इज योर करेक्ट। हाँ जी हाँ जी, पब्बर ओरिजिनेट करती है चांसन पीक में, चंद्रनाहन शिमला। हाँ जी, फोर का ध्यान से रीड कीजिए। तो पासेस जो है, आपको पासेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे ही अब स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको पूछे जाते हैं, इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन पासेस पे एज सच नहीं देखा गया, राइट। तो ऐसे ही आपको किसी और स्टेटमेंट के साथ कोरिलेट करके ही आएंगे। हाँ जी, फोर का ए भी कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं, सी भी कह रहे हैं। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं राइट बैंक, बिल्कुल। आप देखिए बास्पा रिवर जो है किन्नौर, अगर आप देखेंगे सतलुज का फ्लो किन्नौर से, तो सबसे पहले आपको सतलुज की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है जरूर पता होगी, राइट। अब बास्पा सतलुज की एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई थी, हाँ जी ए बी सी। तो देखते हैं आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो ये आपके हेड ऑफ द बास्पा रिवर पे ही है चुंग शिकागो पास, और बिल्कुल आप लोग करेक्ट कह रहे थे, राइट बैंक ऑफ बास्पा पे है आपकी, हाँ जी ये टू विलेजेस, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपकी है एट जंस्कर एंड द ग्रेट हिमालय क्रॉसिंग सतलुज रिसीव्स द स्पीति रिवर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। सेकेंड है जस्ट बिलो रामपुर बुशहर सतलुज इज ज्वाइंड बाय बास्पा स्ट्रीम। Which of the above statement is or are correct? हाँ जी, तो यहाँ पे आपको वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और नन ऑफ द अबव दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, आपको इस फॉर्म की स्टेटमेंट जो है वो फिजियोग्राफी, जो आपका ज्योग्राफी में कॉम्पोनेंट आता है फिजियोग्राफी, उसमें से देखने के, इसलिए हम मैक्सिमम स्टेटमेंट वैसे कवर कर रहे हैं क्योंकि इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ जी, फाइव का ए कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, सारे ही ये कह रहे हैं। हाँ जी, क्या गलत है बी में? हाँ, सेकंड नॉट राइट कह रहे हैं। हाँ जी, तो यहां पे बिल्कुल, यहां पे बास्पा स्ट्रीम नहीं है बिलो रामपुर बुशहर, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आंसर है आपका ए, जैसे कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं। तो यहां पे देखिए, किन्नौर में बास्पा रिवर ज्वाइन करती है सदर्न हिल्स से, ठीक है, सदर्न साइड से, और रामपुर बुशहर के नीचे जो स्ट्रीम ज्वाइन करती है वो है नोगली स्ट्रीम, या फिर नोगली खड्ड भी इसको कहा जाता है, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। तो आपके यहाँ पे कुछ जो है लेक्स दिए गए हैं, कुंत भयो, कलासर, सुखसर, श्रेयोसर। तो विच ऑफ द अबव इज आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ रिवालसर टाउन। तो लेक्स में आई होप ज्यादा दिक्कत कोई नहीं आती होगी सबको, ठीक है, वही आपके कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं लेक से, इसलिए ज्यादा हम उस पर फोकस नहीं करेंगे इस वक्त पे। हाँ जी, सिक्स का बी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी कुल्लू में है, राइट। तो आंसर इज बी।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट ओल्ड हिमाचल अकाउंट फॉर. तो आपका हिमाचल जो है वो दो एरिया से कॉन्स्टिट्यूटेड है, आपका ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल, राइट. अब यहाँ पे ओल्ड हिमाचल का परसेंटेज पूछा गया है कि टोटल एरिया में से ओल्ड हिमाचल का कितना परसेंटेज है. 30%, 39.5%, 48.4% या 53.2%. हाँ जी, ओल्ड हिमाचल का एरिया. तो ऐसे ही आपको पॉपुलेशन भी पूछी जा सकती है कि जब बना था तो न्यू हिमाचल ओल्ड हिमाचल की पॉपुलेशन का क्या रेशियो था. हाँ जी, 7 का सी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग. हाँ जी बिल्कुल. तो यहाँ पे अगर आपको आइडिया भी हो कि आपका बराबर बराबर ही है, ऑलमोस्ट बस 51 है आपका न्यू हिमाचल का और माइन्यूटली 50 से कम है आपका ओल्ड हिमाचल का, तो भी क्योंकि आपके ऑप्शंस इतने वैरिड थे कि आंसरेबल था क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आपकी है, शिमला डिस्ट्रिक्ट कंटेन एरिया फ्रॉम ओल्ड हिमाचल एक्सेप्ट द कैपिटल टाउन ऑफ शिमला इटसेल्फ विच प्रॉपरली बिलोंग्स टू न्यू हिमाचल स्टेट, ठीक है. सेकेंड है आपका, सोलन डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स 3 तहसील अर्की, नालागढ़ एंड कंडाघाट फ्रॉम न्यू हिमाचल. तो आपको करेक्ट यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, राइट. ध्यान से रीड कीजिए, आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 या नन ऑफ द अबव. हाँ जी, तो दोनों स्टेटमेंट जो है ध्यान से रीड करोगे तो काफी ईजी है. हाँ जी, कुछ लोग 8 का सी कह रहे हैं, डी भी कह रहे हैं, ए भी कह रहे हैं, काफी कंफ्यूजन है. तो देखिए, करेक्ट यहाँ पे है सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट, न्यू आपके ओल्ड हिमाचल में जो है एक पार्ट है जो कैपिटल टाउन का है, वो हिमाचल न्यू हिमाचल का है, बाकी पूरा शिमला आपका ओल्ड हिमाचल का है, राइट. अब सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है 2 तहसील्स सोलन और अर्की, ये है आपकी ओल्ड हिमाचल की, और 3 जो तहसील है कसौली, नालागढ़, कंडाघाट, ये आपका न्यू हिमाचल का पार्ट है, ठीक है. तो इसलिए आपका ये गलत था, ओल्ड हिमाचल में सिर्फ सोलन और अर्की है. नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है आपकी, चंबा एंड सिरमौर प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश विदाउट ऑल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज. सेकेंड है, महासू डिस्ट्रिक्ट was created after merging 26 princely states, Thakurais and their tributaries. दोनों statements आपको यहाँ given है और आपको correct बताना है इनमें से correct statement कौन सी है. हाँ जी, 9 का C कह रहे हैं काफी लोग. Very good, very good. D भी आया बीच में, एक B भी आ रहा है. हाँ जी, मैक्सिमम लोगों का है सी, बिल्कुल करेक्ट है आपका सी. तो अब देखिए, चंबा और सिरमौर प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको बिना किसी ऑल्टरेशन के मर्ज किया था, जैसे थी वैसे ही उनकी बाउंड्रीज रहने दी थी. फिर आपका मंडी और सुकेत है, इनको एक ही डिस्ट्रिक्ट में बनाया था, मंडी डिस्ट्रिक्ट. अब महासू है, वो बना था आपका 26 प्रिंसली स्टेट ठकुराइज और उनकी ट्रिब्यूटरीज को मिला के, राइट. तो ये हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी. नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन न्यू हिमाचल. तो काफी इजी है आपका, कौन सा न्यू हिमाचल में नहीं है. कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, न्यू हिमाचल का पार्ट नहीं है. हाँ जी, 4 ऑप्शन है आपके पास, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और कांगड़ा. हाँ जी, बी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, डी भी आया बीच में एक, तो बिल्कुल आंसर है आपका बी. तो यहाँ पे देखिए, आपकी ओल्ड हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर एंड शिमला, और न्यू हिमाचल की जो डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर एंड ऊना, ठीक है. तो हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा को तो आप एक ही यूनिट करके याद कर सकते हैं, कांगड़ा जहां आ गया वहां हमीरपुर ऊना भी आएगा,
प्लस आपका कुल्लू और लाहौल स्पीति भी नेबरिंग है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब हमारा ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन है वो ओवर हो गए, अब हम हिस्ट्री की तरफ पढ़ेंगे। इसमें भी पहले आपकी एंशियंट, फिर मीडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है, द नेम ऑफ ओडंबराज एंड कुनिंदास वॉज फाउंड इन समुद्रगुप्त अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी है, By 4th century AD, new dynasties in Sirmaur and Bushehr region came into existence. Which of the above statement is your correct? आपको यहाँ पे बताना है, ध्यान से रीड कीजिए स्टेटमेंट। तो ओडंबराज और कुनिंदास के बारे में पहली स्टेटमेंट में आपको पूछा गया है, और दूसरी में आपको 4th century AD का सिनेरियो बेसिकली पूछा गया है, क्योंकि 4th century AD में आपका देखा गया है कि कुछ डायनेस्टीज जो है वो आगे देखी गई और कुछ डायनेस्टीज वहीं पे खत्म हो गई, राइट। हाँ जी, 11 का ए डी बी हाँ जी, काफी वैरायटी है, बाकी लोग भी ध्यान से रीड कर लीजिए, टेक योर टाइम। हाँ जी, अभी भी कंफ्यूजन बनी है, ए बी डी में सी भी आ गया, एक सारे ऑप्शंस आ गए। तो देखिए, 11th का आंसर है आपका बी, ठीक है। द नेम ऑफ ओडंबराज एंड कुनिंदास वाज नॉट फाउंड, ठीक है जी, नहीं मिला आपके समुद्रगुप्त के इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, जिसका मतलब कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि 4th century के आसपास ये जो है वो विलुप्त हो गए थे, राइट। क्योंकि हमें हिस्ट्री से ऐसे ही पता चलता है कि कहीं पे नाम मेंशन दिखता है किसी इंस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कुनिंदास, जो कुनिंदा रिपब्लिक है वो फ्रेगमेंट हो गई थी ब्रह्मपुरा, गोहिसाना और करतीपुर में, तो ये रीजन है कि कुनिंदा का नाम भी आपको समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन में नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो 3 हिस्सों में बट गई थी। ये 3 हिस्से आपको याद रखने हैं। अब 4th century के टाइम पे क्या हुआ, आपको नई डायनेस्टीज देखने को मिली, जैसे कि सिरमौर और बुशहर, ठीक है, सिरमौर और बुशहर नई डायनेस्टीज यहाँ पे देखी। तो जो लोग बी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। हाँ जी, कुछ लोग नजर आ रहे हैं मुझे, पुष्पा ने बी कहा था, हाँ जी मनीष, वेरी गुड, मृदुल, सोनू, तो इस वक्त स्क्रीन पे मुझे बी वाले इतने नजर आ रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, Which of the following claims नगर as the ancient capital of कुलूटा। अब हमें ये पता है कि नगर जो है आपका कैपिटल रहा कुलूटा का, अब किसमें ये लिखा गया है, कहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, महाभारत से, रामायण से, कात्यायनी गंगा से, या विष्णु पुराण से। हाँ जी, तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है कि नगर जो है वो एंशियंट कैपिटल है कुल्लू का। हाँ जी, 12 का डी कह रहे हैं काफी लोग, सी भी आ रहा है बीच में, हाँ जी ए भी आया है सपना गंवर का, तो ए सी डी में डिवाइडेड है। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर है आपका करेक्ट वो है सी, कात्यायनी गंगा में, कात्यायनी गंगा में मेंशन्ड है आपका कि नगर जो है वो कुल्लू की एंशियंट कैपिटल है। बाकी सारे सोर्सेज में भी कुल्लू के बारे में मेंशन्ड है, बट स्पेसिफिकली आपसे नगर का पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है आपकी, अशोका सेंट अ मिशन टू हिमालयस हेडेड बाय कसापा गोटा विद 4 monks। सेकेंड है, अ स्तूपा मेड बाय अशोक एग्जिस्ट इन कुल्लू वैली। थर्ड है, अशोक इरेक्टेड अ मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन इन कलसी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टॉन्स एंड यमुना। तो विच ऑफ द अबव इज योर आर करेक्ट, आपको यहाँ पे बताना है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है। हाँ जी, 13 का सी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, हाँ जी बाकी लोग भी रीड कर लीजिए ध्यान से। तो इजी स्टेटमेंट है आपकी सारी। हाँ जी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपको इससे रिलेटेड देखने को मिली थी लास्ट ईयर एग्जाम में, राइट, जहां जय गुप्तम और ह्यूनसान के बारे में पूछा गया था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एवरीवन इज करेक्ट, आंसर है आपका सी। तो जो अशोक ने मिशन भेजा था वो मझीमा ने हेड किया था,
और बाकी फोर मंक्स के नाम भी आपको जरूर पता होना चाहिए, कसापा गोटा, धुंधली बिसारा, सहदेव और मुलक देव। बाकी ये दो आपने देखा है कि एक स्टूपा हमें कुल्लू वैली में मिलता है अशोक के टाइम पे, और एक मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन हमें कलसी में मिलती है। कलसी का है आपका तौंस और यमुना के किनारे पे। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है 21 पॉइंट्स फ्रॉम अपोलो डोटस हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस, लचोरी, सरोल, टप्पा मेवा, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी मृदु, देखिए ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके मियां गोवर्धन से फ्रेम हुए हैं, बलोखरा से भी फ्रेम हुए हैं, राइट? तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है आपका, बट बलोखरा से मेजरली आपका वो क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। हाँ जी 14 का डी सी कह रहे हैं, डी और सी में कंफ्यूजन है सबको। अब देखो पॉइंट्स तो हमें मिले हैं काफी जगह से, इन सारी ही जगहों से मिले हैं, बट यहाँ पे आपको अपोलो डोटस स्पेसिफिकली बोला है कि जो 21 कॉइन्स हैं अपोलो डोटस के वो कहाँ से मिले हैं। हाँ जी और सी और डी, बिल्कुल जो डी कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि इन बाकी दो जगहों से भी आपको मिले हैं, बट सिर्फ अपोलो डोटस के आपको मिले हैं टप्पा मेवा से, राइट? तो जो सी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। तो कुछ इंडो ग्रीक कॉइन्स जो है वो आपके लचोरी और सरोल में मिले हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और 21 कॉइन्स अपोलो डोटस के आपको मिले हैं टप्पा मेवा जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है जी, तो ये कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, इसमें से कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी रखिए। नेक्स्ट देखिए, इन द ईयर 2011 हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी फाउंड 600 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट इन स्पिति वैली इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट है आपका ब्रह्मी, खरोष्टी, घोटी, टंकरी। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपको क्वेश्चन में ही बहुत सारे फैक्ट्स गिवन है, राइट? तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। 2011 में एचपी लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी ने क्या ढूंढा, 600 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट कहां पे ढूंढी, आपकी स्पिति वैली में। अब वो किसमें लिखी गई थी? हाँ जी 15 का सी कह रहे हैं, डी भी कह रहे हैं, घोटी, टंकरी, सब देखने को मिल रहा है, तो आंसर कीजिए। देखिए अब इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि जैसे ही आपकी स्पिति वैली में मिली है वैसे ही आपकी थोलक वैली में भी एक इंस्क्रिप्शन मिली है जो गोल्डन वर्ड्स में लिखी है, ठीक है, वो लाहौल में आपका, तो ये दोनों डिफरेंट है तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बी स्पेसिफिक एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 ईयर्स के पहले आपका ये आया है, ठीक है। हाँ तो देखते हैं आंसर है आपका सी, यहाँ पे आपको घोटी में देखने को मिलती है ये, और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आपका डील करती है। नेक्स्ट देखिए 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट आपकी है रिवोल्ट रेज्ड बाय बिधिचंद इन 1572 वॉज सप्रेस्ड बाय खान जहां हुसैन कुली खान। सेकेंड है आपकी रिवोल्ट रेज्ड बाय विधि चंद इन 1588 वॉज सप्रेस्ड बाय सुंदरदास राय रायन। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ओवर ऑल करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए अब मिडिवल सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है इसके बाद, तो 5 क्वेश्चंस आप मिडिवल सेक्शन से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको विधि चंद के रिवोल्ट की स्टोरी जरूर पता होगी, जब अकबर ने उनके फादर जयचंद को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो बीदी चंद ने क्या है रिवोल्ट कर किए, तो सबसे पहला रिवोल्ट हुआ आपका 1572 में, राइट? अब उसको सप्रेस करने के लिए मुगल्स ने किसी को भेजा, वही आपसे यहाँ पे क्लैरिटी पूछी गई है। फिर सेकंड रिवोल्ट उन्होंने किया 1588 में, राइट? तो उसको सप्रेस करने के लिए किसे भेजा? हाँ जी 16 का ए कह रहे हैं काफी लोग, तो आइए देखते हैं आंसर इज ए। तो बीदी चंद ने जो 1572 में रिवोल्ट किया था उसे सप्रेस किया था खान जहां हुसैन कुली खान ने, और 1588 वाला जैन खान कोका ने, राइट? तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, तो ये स्टोरी आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक उत्बी डिस्क्राइब द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी ऑन नगरकोट।
फर्स्ट है आपका तारीख हिंद, तारीख फिरोज शाही, तारीख यामिनी, तारीख इंडिका। तो उत्तबी, उत्तबी ने इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी और नगर कोट कौन सी बुक में आपका बताया है? हाँ जी, चार ऑप्शंस आपके पास है। हाँ जी, सी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं। हाँ जी, देखिए तो इसका आंसर है आपका सी, तारीख यामिनी में उत्तबी ने ये एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, मुगल एम्परर अकबर कन्फर्ड कांगड़ा एज अ जागीर टू टोडरमल इन 1572। सेकेंड है आपका, शेरशाह सूरी सेंट हामिद खान कक्कड़ टू सब्जुगेट कांगड़ा हिल्स। यहाँ पे आपका डायरेक्टिव है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। तो नॉट को ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में भी आपके ऑप्शंस गिवन है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। हाँ जी, 18 का सी आ रहा है अभी तक, रीड कर लीजिए। हाँ जी, जो कह रहे हैं नॉट करेक्ट है, क्यों नॉट करेक्ट है ये भी मेंशन कर लीजिए। हाँ जी, अभिषेक कह रहे हैं फर्स्ट में बीरबल है, खावस खान, आरती कह रहे हैं खावस खान, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही गलत है आपका। अब शेरशाह सूरी, तो हमने बार बार अपनी क्लासेस में ये किया है, शेरशाह सूरी ने खावस खान को कांगड़ा भेजा, ठीक है, SSS KKK, और उसके बाद किसे इंचार्ज बना दिया, फिर आपको हामिद खान कक्कड़ और खावस खान में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगी, राइट। तो इसलिए ये आपका इनकरेक्ट था, और दूसरा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में था बीरबल, टोडरमल नहीं था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्रेस्ड द रिवोल्ट रेज्ड बाय राजा ऑफ जसरोटा इन 1594। अब आपको पता है 1572 में विधि सिंह ने एक रिवोल्ट किया, उसके बाद 1588 में विधि सिंह ने दूसरा रिवोल्ट किया। अब इसके बाद जो है मुगल्स ने हॉस्टेज ले लिया विधि चंद के बेटे त्रिलोक चंद को, ठीक है, इसीलिए जो 1594 में रिवोल्ट हुआ इसमें विधि चंद ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको हेड किया था राजा ऑफ जसरोटा ने, राइट। अब इस रिवोल्ट को सप्रेस करने कौन आया, तो ये दो हम पढ़ चुके हैं, विधि चंद ने पार्टिसिपेट किया और कौन सप्रेस करने आया। अब यहाँ पे इसका हेड कौन था और इसको सप्रेस करने कौन आया, आपको ये आइडिया होना चाहिए। हाँ जी, डी कह रहे हैं काफी लोग, बी भी कह रहे हैं। देखो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जब हम रीड करते हैं तो हमें लगता है कि याद रहेगा, बट जब ये क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आते हैं तो काफी ऐसी ही कंफ्यूजन होती है, राइट, क्योंकि ऑप्शंस आपके इतने क्लोज गिवन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका डी, शेख फरीद जो है उन्होंने सप्रेस किया है आपका 1594 का रिवोल्ट, जिसमें विधि चंद ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, राइट। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे आपको यही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, बाकी स्टोरी याद रहती है, बस यही है कि किसने रिवोल्ट सप्रेस किया है। अब किसने रिवोल्ट किया है ये हमें याद रहता है। प्लस एक और चीज याद रखिए कि आपके इन रिवोल्ट्स में और कौन से हिल राजाओं ने पार्टिसिपेट किया, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, राइट। तो बिल्कुल शेख फरीद जो कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किलेदार हेल्ड द कांगड़ा फोर्ट फॉर 17 ईयर्स। तो 17 साल तक किसने, कौन रहा था आपके कांगड़ा फोर्ट का मुगल किलेदार? नवाब असदुल्ला खान, नवाब अली खान, नवाब सैफ अली खान और कोच कुली खान। हाँ जी, हाँ जी, नवाब अली खान कह रहे हैं कुछ लोग, सी भी कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं, डी भी कह रहे हैं। हाँ, तो यही जो इजी फैक्ट्स होते हैं यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे दो मुगल किलेदार हमें हमेशा पता होते हैं कि पहला कौन था और आखिरी कौन था, इजी टू रिमेम्बर है। पहला आपका था नवाब अली खान, लास्ट आपका था सैफ अली खान, राइट। बट यहाँ पे जो फैक्ट्स आपसे पूछा है, फैक्ट पूछा है वो ये है कि 17 साल तक जो कि आपका लॉन्गेस्ट रेन था किसी मुगल किलेदार का, वो किसका था? हाँ, सैफ अली खान लास्ट था। हाँ बिल्कुल, तो फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल है कि 17 साल जो है वो किसने किए थे। तो इसका आंसर है आपका डी, कोच कुली खान।
तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां नवाब असदुल्ला और कोच कुली खान जो है वो आपके फोर्ट के किलेदार बने, और इसमें से कोच कुली खान जो है इन्होंने 17 साल तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, फोर्ट के किलेदार रहे, राइट? हाँ बिल्कुल, जो कोच कुली खान कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अब आपके थोड़े मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट है, ड्यूरिंग द एंग्लो गोरखा वॉर भक्ति थापा वॉज किल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट, तो कौन से फोर्ट पे भक्ति थापा की डेथ हुई थी? यहाँ पे आपका है मलाऊ, कमलागढ़, कोटला, लोहगढ़। तो आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो एंग्लो गोरखा वॉर जो है उससे रिलेटेड फैक्ट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ट्रीटी ऑफ संगोली किसके बीच में साइन हुई है वो आपको नाम दो जरूर पता होंगे, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ जी चलिए, ये कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, हाँ पेरिस बैडशो और गुरु गजराज, तो ये पर्टिकुलरली नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए, भक्ति थापा जो है उनकी डेथ हुई थी आपकी मनाओ फोर्ट में। नेक्स्ट देखिए, हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट गोरखा इन चौपाल, जुब्बल एंड रावणगढ़। तो आपको पता है कि आपकी जो ब्रिटिश टीम है वो अंडर डिफरेंट हेड्स हैं, डिवाइड हो गई थी। अब यहाँ पे आपको गोरखा के खिलाफ चौपाल, जुब्बल और रावणगढ़ एरिया में पूछा गया है किसने कैंपेन को हेड किया था, डेविड ऑक्टनवी, आपका जेम्स बेली फ्रेजर, आपका मार्टिनडेल या जिलेस्पी। हाँ जी बी कह रहे हैं काफी लोग, ए भी आया है बीच में, के का डी भी आया है। हाँ जी रीड कर लीजिए ध्यान से। तो ऐसे ही आपके और डिफरेंट कैंपेन्स जो है, ये तो आपकी शिमला की बात होगी, चौपाल, जुब्बल, रावणगढ़, तो और जगहों पर भी किसने हेड किया है इसका आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। हाँ जी तो काफी लोग बी कह रहे हैं, तो बिल्कुल आंसर है आपका जेम्स बेली फ्रेजर। नेक्स्ट देखिए, तालुका ऑफ बाटी इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, कांगड़ा एंड चंबा, कांगड़ा एंड कहलूर, कहलूर एंड मंडी या फिर नन ऑफ द अबव। तालुका ऑफ बाटी कहाँ पे आपकी बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी कौन सी दो इन रियासतों के बीच में लड़ाई का कारण बनी। हाँ जी 23 का ए भी कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग बी कह रहे हैं। बीच में एक ए भी आया, तो देखिए आंसर है इसका बी, कहलूर में जो तालुका बाटी है कहलूर में, उसको राजा संसार चंद ने क्लेम किया था, इसीलिए आपका कहलूर और कांगड़ा के बीच में मतभेद थे इसे लेके। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द एंग्लो गोरखा वॉर द हिल चीफ्स वर प्रोवाइडेड सन्नर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ठकुराइज वर कन्फर्ड अपॉन बुशहर स्टेट। तो आपको कुछ ठकुराइज को आपस में मर्ज कर दिया गया था जो काफी छोटी थी, कुछ जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट रही थी, और कुछ आपकी बड़ी रियासतों में मर्ज हो गई थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है बुशहर स्टेट में कौन सी दो ठकुराइज मर्ज हुई थी, कुम्हार सेन एंड बालसन, खनेती एंड दिलाल, गुंड मधान या खनेती एंड रतेश। हाँ जी चार ऑप्शंस है आपके पास, और बुशहर स्टेट के बारे में यहां पे आपसे पूछा गया है। हाँ जी ए कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, सी भी कह रहे हैं, डी भी आ गया। तो देखिए यहां पे आंसर है आपका बी, खनेती और दहलात जो है इन्हें आपका कन्फर किया था अपॉन बुशहर स्टेट, राइट? नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, फर्स्ट है लोकल हिल रूलर्स सपोर्टेड गोरखास अगेंस्ट द ब्रिटिश इन एंग्लो गोरखा वॉर, सेकंड है आपका मेजर ऑक्टनली मार्च्ड फ्रॉम सहारनपुर टू देहरादून एंड क्यारादून अगेंस्ट द फोर्सेज अंडर बालभद्र थापा, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज योर आर करेक्ट आपको बताना है, कौन सी करेक्ट है यहां पे स्टेटमेंट।
हाँ जी, डी कह रहे हैं काफी लोग, बीच में ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। हाँ तो पहले देखिए, डी है बिल्कुल आंसर। तो यहाँ पे आपका ब्रिटिश हिमालयन पॉलिसी ऑफ 1814 जो है, इसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जो मेजरली आपके ट्रेड से भी रिलेटेड थी, आपके ब्रिटिशर्स ने गोरखाज के अगेंस्ट वॉर की, क्योंकि गोरखाज ने जो एरियाज कवर किए थे वो ब्रिटिश के ट्रेड रूट के बीच में आ रहे थे, राइट। अब लोकल हिल रूलर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो लोग तो गोरखाज से खुद भी दुखी थे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, राइट। अब यहाँ पे जो सहारनपुर से देहरादून और कैरादून मार्च किया, उनका नाम है जेलेस्पी, ठीक है। अंडर जो फोर्सेस थी वहां पे, वो बाल भद्र थापा के अंडर थी, राइट। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका डी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर डिवाइडेड इंटू वॉरियर ग्रुप्स नोन एज खुंड, आपके कीरत, खस, किन्नर, पंगवाल। तो देखिए, ये आपकी स्टेटमेंट लास्ट ईयर भी आई है आपके एग्जाम में, ठीक है, और काफी बार हम ये डिस्कस भी कर चुके थे अपने सेशन में। हाँ जी, 26 का बी। हाँ, अब तो काफी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है, तो आएगा ये आंसर। हाँ जी, पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो बिल्कुल आंसर है इसका खस। तो खस जो है, उनको वॉरियर ग्रुप्स जिनको खुंड कहते हैं में डिवाइड किया जाता है, और मेनली ये दो टाइप के होते हैं, 60, 60 मतलब 60 जिसको कौरव ग्रुप कहते हैं, और पाशा मतलब 5 जिसको पांडव ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिटेल्स है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट आपकी है, मनछत विच इज अ मिक्सचर ऑफ तिब्बतन एंड हिंदी इज स्पोकन बाय पंगवाल्स। सेकेंड है, भोटी डायलेक्ट इज स्पोकन बाय आपके स्वांगलाज इन सिसु एरिया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, आपको बताना है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, या नन ऑफ द अबव। हाँ, ठोडा वॉर गेम, बिल्कुल डी कह रहे हैं काफी लोग, बी भी आया बीच में, डी और बी में कंफ्यूजन है। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा कंफ्यूजन है, आपके डायलेक्ट्स में रहता ही है। तो करेक्ट आंसर आपका डी, मनछद है, वो मिक्सचर है तिब्बतन और हिंदी का, और ये आपका कहा जा बोली जाती है किसके द्वारा, सोंगलाज के द्वारा। एक और डायलेक्ट है जिसको तिनान भी कहते हैं, वो सिसु एरिया में बोली जाती है, और भोटी है वो सिर्फ जो बौद्ध इनहेबिटेंट्स हैं वैली के वो बोलते हैं, राइट। आंसर है डी। नेक्स्ट है 28, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैरिजेस। फर्स्ट है आपका रुसियाते व्याह, सेकंड है कुआ व्याह, मजमी व्याह और गदर। तो विच ऑफ द अबव इज योर आर मैरिज परफॉर्म्ड बाय स्वांगला ट्राइब, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, थ्री एंड फोर ओनली, और वन टू थ्री। तो स्वांगला ट्राइब की मैरिज आपको बेसिकली यहाँ पे पूछी गई है। हाँ जी, तो आई होप आपने अभी तक टेबल बना लिया होगा एक, जिसमें सारी ट्राइब्स, उनके मैरिज फॉर्म, उनके डिवोर्स फॉर्म, उनके सोशल कस्टम्स इंक्लूडेड होंगे। हाँ, डी कह रहे हैं काफी लोग। देखिए, तो आंसर है बिल्कुल डी। तो रुस्तियाते व्याह, कुआ व्याह और मजमी व्याह, ये है आपके तीन फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस जो आपके हमें देखने को मिलते हैं सांगला ट्राइब में। तो यहाँ पे देखिए, गदर आपको कहाँ देखने को मिलता है, मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, गदर किसकी मैरिज फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, सुडथ्वाची इज द फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो सुडथ्वाची कौन सी ट्राइब में है, गद्दीज, पंगवाल, स्वांगला, किन्नर। हाँ बिल्कुल, गदर जो है आपका, हाँ, बिल्कुल। बी सी डी, सुडथ्वाची डाइवोर्स फॉर्म किसका है, गद्दी, पांगवाल, स्वांगला और किन्नर। स्वांगला कह रहे हैं हम काफी लोग। तो आइए देखते हैं, तो इसको प्रोनाउंस जैसे हम करते हैं ना, उससे थोड़ा याद रखिए, टी साइलेंट है इसमें, ठीक है, टी साइलेंट है। तो एस से है सुडथ्वाची और एस से है स्वांगला, तो ये जो है
इस तरीके से आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़े ज्यादा डाइवर्स फॉर्म आ जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सुड थाची सांगला। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ किन्नर्स इज हेडेड बाय गोवा। सेकेंड स्टेटमेंट है कम्युनिटी काउंसिल ऑफ सांगला इज हेडेड बाय सेहना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज योर आंसर करेक्ट, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपको गिवन है, ए में है वन एंड टू ओनली, बी में है वन ओनली, सी में है टू ओनली, डी में है नन ऑफ द अबव, राइट। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल काउंसिल जो आपके हैं ट्राइब्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर हमने क्वेश्चन देखा है इस सेक्शन से। हाँ जी, 30 का सी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं काफी लोग, सी और डी में कंफ्यूजन है। हाँ जी, ने लग रहा है इनकरेक्ट है, क्यों है इनकरेक्ट ये भी मेंशन कीजिए। इतना डिफिकल्ट पेपर ही आया है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि पेपर आसान आता है। तो देखिए इसका आंसर आपका है सी, टू ओनली, कम्युनिटी काउंसिल ऑफ सांगला, अगेन एस फॉर सांगला, एस फॉर सेहना, ये बिल्कुल करेक्ट है। और फर्स्ट में खंपा के जो ट्रेडिशनल काउंसिल है उन्हें उसे कहते हैं शुजम चुंगी। तो आप बताओ शुजम चुंगी आपको एक स्टेटमेंट में लास्ट ईयर आया नहीं पेपर में, ठीक है। तो वो डिफिकल्ट ही था, डिफिकल्ट ही आ रहा है। तो ये हेड करते हैं कौन, गोवा, राइट। हाँ बिल्कुल, तो यहां पे तीन चीजें आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ किनौराज। कौन मेंबर नहीं है आपके किनौरा के ट्रेडिशनल काउंसिल का, चार, टोकनिया, हलमंडी और गोवा। हाँ जी, 31 का डी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो आपके ट्रेडिशनल काउंसिल है किनौरा ट्राइब का उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, राइट, उसके हेड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे डी कह रहे हैं काफी लोग, बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है। अब आपका ट्रेडिशनल काउंसिल जो है किनौराज को, उसको कहते हैं चार भाई। तो जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें चार लोग होते हैं, ठीक है। तो आपके चार, हलमंडी, टोकनिया, ये तीन मेंबर्स हैं और जो हेड होता है उसे कहते हैं मुखिया, राइट। तो आपको चार भाई से याद रखना है। हाँ जी बिल्कुल, गोवा जो है वो आपका शुजम चुंगी का हेड है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है डोगरी इज मैरिज बाय एक्सचेंज इन पंगवाल ट्राइब। सेकेंड है डाइवोर्स इन पंगवाल इज नोन एज छड्डे। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज योर आंसर करेक्ट, आपको यहाँ पे बताना है। हाँ जी, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका मैरिज और डाइवोर्स फॉर्म एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आई होप सांगला का अब तक आपको याद हो गया होगा, सांगला का है सुड थाची, राइट। हाँ जी, ए कह रहे हैं काफी लोग, बी भी आया है बीच में, सी भी आया है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ए, डोगरी इज मैरिज बाय एक्सचेंज इन पंगवाल ट्राइब, और डाइवोर्स को कहते हैं पंगवाल ट्राइब में छड्डे। आई होप आप अपने ऑप्शंस पे ध्यान दे रहे हैं। ए में आपका था वन एंड टू, मतलब बोथ आर करेक्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे जो पंगवाल ट्राइब है उसके बारे में ये दो फैक्ट्स है, तो जरूर याद रखिए ट्राइब वाइज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लाहौला ट्राइब। लाहौला ट्राइब से कौन एसोसिएटेड नहीं है। पहला है तबाक्सोन, कुमाई भाक्सोन, कुर्पा चर्चे या फिर शिक टैग टैग। हाँ जी, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है लाहौला ट्राइब से, तबाक्सोन, कुमाई भाक्सोन, कुर्पा चर्चे या शिक टैग टैग। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, नेक्स्ट सेशन भी है फिर आपका। 33 का डी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, बिल्कुल। तो आपका मैरिज कस्टम जो लाहौलास के बीच में है वो है भागस्तोन, कुमाई भागस्तोन, और डिवोर्स को कहते हैं खुड़पा छर्चे। तो तीन डाइवोर्स फॉर्म्स तो आपको यहीं पे देखने को मिल गए हैं, एक सांगला का सुड़थाची, दूसरा पंगवाल का छड्डे, तीसरा आपका लाहौला का खुड़पा छर्चे।
अब जो किनोराज है उनके डाइवोर्स को कहते हैं शिंग टैग टैग। तो आई होप डाइवोर्स फॉर्म्स आपके मैक्सिमम कवर हो गए। हाँ, खुरपा चर्चे डाइवोर्स फॉर्म है आपका लाहौलाज में, और आपका शिंग टैग टैग डाइवोर्स फॉर्म है आपके किनोराज में। ठीक है जी, तो चार ट्राइब के डाइवोर्स फॉर्म यहाँ पे आपके कवर हो गए। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डाइवोर्स इन खम्पाज इज नोन एज फक्तुम। सेकेंड है सॉन्ग संग ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज इज कॉल्ड यानवा। थर्ड है मैरिजेस आर जनरली फिक्स्ड बाय अ नेगोशिएटर नोन एज टिमडे लू। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। हाँ जी, इनकरेक्ट कौन सी है? आपके ऑप्शन है वन ओनली ए का, बी में है वन एंड थ्री ओनली, सी में है थ्री ओनली, डी में है ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, सी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं, ए भी कह रहे हैं, काफी कंफ्यूजन है। हाँ जी, बाकी लोग भी देख लो ध्यान से, इनकरेक्ट आपसे पूछा है, आई होप आप ध्यान दे रहे हैं इनकरेक्ट पे। हाँ जी, तो देखिए आंसर है इसका बी। अब डाइवोर्स इन खंपाज को काफी नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका झटसारी, झा दलवा, खटल जे और खेजे, या फिर जा छोचे, तीन नामों से आपका खंपाज में डाइवोर्स फॉर्म को जाना जाता है, राइट। अब यहाँ पे आपको दूसरा जो था वो था सॉन्ग संग ऑन द ओकेजन इज टिमडेलू एंड यानवे, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी। और मैरिज जो है वो एक नेगोशिएटर फिक्स करता है जिसको कहते हैं फक्तुम, राइट। नहीं, ऑल इनकरेक्ट नहीं है कल्पना, हाँ टिमडेलू और यानवा भी कहते हैं उसको, तो साथ वाली टर्म भी देख लीजिए, टिमडेलू तो है ही, यानवा भी कहा जाता है सॉन्ग को ही, दोनों ही नाम है आपके जो सॉन्ग गाए जाते हैं, राइट। हाँ, यहीं पे आपको जिसमें हम बिल्कुल श्योर होते हैं ना कि ये तो बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, तो वहीं पे हमें रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पे आपका हेरा फेरी की होती है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट है द भैरवी क्लासिक कीर्तर्जुनिया टेल्स अबाउट द बैटल दैट टुक प्लेस बिटवीन किरत किंग एंड अर्जुन। सेकेंड है ऋग्वेदा मेंशंस द बैटल बिटवीन किरत पावरफुल किंग शांबल एंड आर्यन किंग सुदास दैट लास्टेड फॉर 40 इयर्स। तो इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए काफी बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, बट आपके कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे जिनमें हम गलती कर सकते हैं। वैसे काफी इजी स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। हाँ जी, जो भी आपके सजेशंस है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं, चैट सेक्शन में आपके सारे लॉस्ट हो जाते हैं। हाँ, 35 का बी है, सी है, ए है। तो देखिए आंसर है आपका बी। तो यहाँ पे आपका जो किरत के पावरफुल किंग शांबर और दिवोदास के बीच में लड़ाई हुई थी वो आपकी ऋग्वेदा में दी गई है। दूसरा है भैरवी क्लासिक कीर्तर्जुनिया में आपको बताया गया है किरत किंग और अर्जुन के बीच में लड़ाई, राइट। तो यहाँ पे आपका आर्यन किंग सुदास गिवन था, सुदास जो है वो दिवोदास का बेटा था, राइट। तो दिवोदास के बीच में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी आपके दो क्वेश्चन प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में है। फर्स्ट है इन 1862 इन सुकेत स्टेट द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द एट्रोसिटीज एंड करप्शन ऑफ नरोत्तम वजीर। नरोत्तम वजीर ऑल्सो इम्पोज दंड टैक्स पेनल्टी। थर्ड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग पीपल्स दरबार एट गढ़ छवासी नरोत्तम वॉज इम्प्रिजेंड बाय पीपल ऑफ द एरिया फॉर 12 डेज। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। हाँ जी, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तीन स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। 36 का बी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग।
तो आई होप आप लोग इनकरेक्ट जो है वो देख रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ पे आंसर है आपका बी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी नरोत्तम वजीर के बारे में है, बट उन्हें बदल के आपके डूंगर वजीर आए थे, राइट. अब डूंगर वजीर जो है इन्होंने इम्पोज किया था आपका दंड टैक्स. उसके बाद डूंगर वजीर को ही गढ़चवासी के दरबार में लोगों ने इम्प्रिजन कर लिया था 12 दिनों के लिए. तो ये दो अलग वजीरों के फैक्ट्स हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है आपका कुनिहार प्रजा मंडल वॉज ऑर्गेनाइज इन शिमला इन 1939 एंड पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू राणा दलीप सिंह. सेकेंड है आपकी राणा ऑफ कुनिहार डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ प्रजा मंडल. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ओरल इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है. हाँ जी, तो काफी इजी है ये भी, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है इस क्वेश्चन में. हाँ जी, संदीप कह रहे हैं डी, सरोज ए, सी भी आ रहा है, तो ए डी सी बी भी आ गया. इसमें तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत इजी है ये तो. देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट आपको पूछा है, तो आपके दोनों ही इनकरेक्ट है. सबसे पहले कुनिहार प्रजा मंडल जो है उन्होंने डिमांड रखी थी किस राणा के सामने, हरदेव सिंह के सामने, तो ये गलत है. दूसरा है राणा ऑफ कुनिहार ने एक्सेप्ट कर ली थी ये डिमांड्स, ठीक है जी. तो इसे कहा जाता है आपका फर्स्ट जो आपकी जीत, पहली जीत हुई थी ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल, राइट. नेक्स्ट देखिए, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड जॉइंटली बाय ऑल द फैमिलीज इन किलोंग वेयर मेल चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द प्रीसीडिंग ईयर. तो अब आपका जो है फेयर्स, फेस्टिवल और डांस फॉर्म्स का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं. हल्दा, लिशु, गोची और फुलेज. हाँ जी, कौन सा फेस्टिवल जो है सारी फैमिलीज किलोंग में सेलिब्रेट करती है जहां पे मेल चाइल्ड जो है वो बॉर्न हुआ था प्रीसीडिंग ईयर में. हाँ जी, सी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग. बिल्कुल, आंसर है इसका सी. नेक्स्ट देखिए, शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन मनी गोम्पा. अब आपका शिशु फेयर तीन अलग अलग महीनों में तीन अलग अलग गोम्पाज में सेलिब्रेट किया जाता है. तो यहाँ पे आपका है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो मनी गोम्पा आपसे पूछा गया है. हाँ जी, 39 का आरती, मिताली सी कह रहे हैं, अनुराग ए, अगस्त सितंबर कहा जा रहा है. हाँ जी, डी भी कहा जा रहा है. तो देखिए यहां पे आप ये देख लीजिए, शिशु फेयर जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है गेमूर गोम्पा में जुलाई में, और अगस्त में आपका मनी गोम्पा में, और सिसुर गोम्पा में आपका जून में, राइट. तो ये तीनों मंथ्स याद रखना, ठीक है. जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे क्रोनोलॉजी में जून, जुलाई, अगस्त हमें रहते हैं. सिसुर, गैमूर और मनी, एस जी एम, सिसुर, गैमूर और मनी गोम्पा. तो जून, जुलाई, अगस्त आपको रहेंगे, तो सीक्वेंस में गोम्पाज याद कर लो. नेक्स्ट देखिए, 40 है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है गद्दीज ऑफ कांगड़ा, चंबा, मंडी एंड कुल्लू सेलिब्रेट नवाला फेस्टिवल थैंक्स गिविंग सेरेमनी टू लॉर्ड शिवा. सेकेंड है द आइडिया ऑफ नवाला फेयर वॉज कंसीव्ड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है कि कौन सी गलत है. हाँ जी, बोथ करेक्ट कह रहे हैं साहिल, बी कह रहे हैं बाकी मैक्सिमम लोग. तो यहाँ पे देखिए, ए में है आपका वन एंड टू ओनली, ये ध्यान रखिए, बी में है टू ओनली. हाँ जी, बी सी ए, तो काफी लोग इस जाल में फंसे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ पे सेकंड में आपका नवाला नहीं है, नलवाड़ी है. तो नलवाड़ी और नवाला, इट अपियर्स टू बी सेम, बट ये आपके दो अलग फेयर के बात हो रहे हैं. हाँ बिल्कुल, नलवाड़ी होगा सेकेंड स्टेटमेंट में, तो आपकी इनकरेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट.
आंसर इज बी. तो फर्स्ट आपका नवाला के बारे में है, नवाला और नलवाड़ी. तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब हम रीड करते हैं, पता आपको होगा बट वहां पे रीड करते हुए गलती हो सकती है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज फेमस फॉर सैक्रिफाइस ऑफ अ बफेलो बुल विच सिंबलाइजेस डीमन किल्ड बाय गॉडेस महिषासुर मर्दिनी. तो आपके ऑप्शन है सयार, थलोग, जोना और खुंड फेयर. तो कौन से फेयर से एसोसिएटेड है आपका? हाँ जी, 41 का हाँ जी 41 का ए कह रहे हैं काफी लोग, बीच में बी भी आ रहा है. बिल्कुल, तो यहां पे आंसर है आपका सयाद, जो कि सितंबर के महीने में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, राइट. तो यहाँ पे देख लीजिए, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, बकलो, चंबा, करसोग, मंडी, सुबाथु, सोलन, राइट. नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है गुग्गा फेयर इज हेल्ड इन दोग विलेज नियर जोगिंदर नगर इन द ऑनर ऑफ विमेन हु परफॉर्म्ड सती. सेकेंड है पंचभीषम फेस्टिवल इज हेल्ड एट तारा देवी टेम्पल इन कांगड़ा. तो आपका विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है. ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, हमेशा ऑप्शंस पे ध्यान दिया कीजिए, थोड़े इंटरचेंज होते हैं आपके हमेशा. हाँ जी, बोथ इनकरेक्ट कह रहे हैं, इनकरेक्ट आपसे पूछा है, बी कह रहे हैं काफी लोग. बिल्कुल बिल्कुल, तो जहां पे भी सती की बात है वो है आपका स्कोडी फेयर, राइट. इसलिए फर्स्ट आपकी इनकरेक्ट है और सेकेंड में भी आपका तारा देवी टेम्पल कांगड़ा में नहीं है, पहली बात शिमला में है, राइट. और ये आपका जयंती माता टेम्पल में होता है पंचभीषम फेस्टिवल. नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है इन बिलासपुर एंड सोलन सोलो डांस इज कॉल्ड गिद्दा. सेकेंड है इन सिरमौर एंड पार्ट्स ऑफ शिमला हिल्स सोलो डांस इज नोन एज मुंजरा. थर्ड है प्रेक्षानी, नतरंबा एंड चेरी आर ग्रुप डांसेस. तो ये आपका मिया गोवर्धन से है, डांस फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो अब हम करें. तो यहाँ पे नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, कौन सी नॉट करेक्ट है? हाँ जी, 43 का सी कह रही है आरती, मिताली सी. तो बाकी लोग भी ध्यान से पढ़िए, सोलो डांस और ग्रुप डांस बेसिकली यहाँ पे थीम है जिसके बारे में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है. हाँ जी, 43 का सी कह रहे हैं कुछ लोग, ए कह रहे हैं कुछ लोग. तो आइए देखते हैं, आंसर है इसका सी. अब सोलो डांस जो है वो बिलासपुर, सोलन, सिरमौर में आपका और कुछ पार्ट्स ऑफ शिमला हिल्स में पॉपुलर है. बिलासपुर और सोलन में इसको गिद्दा कहते हैं और सिरमौर और पार्ट्स ऑफ शिमला में इसको मुंजरा कहते हैं, राइट. अदर इंपॉर्टेंट सोलो डांसेस आर प्रेक्षानी, नतरंबा और चेरी. तो ये भी आपके सोलो डांस है. तो ये पूरा क्वेश्चन ही आपका सोलो डांसेस पे बेस्ड था, ग्रुप डांस पे नहीं था, राइट. तो आंसर है सी. हाँ बिल्कुल, मुश्किल है ये क्वेश्चन को आंसर करना, काफी ज्यादा फैक्ट्स हैं और नए फैक्ट्स हैं, बट हमें एज इट इज इसको याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज जनरली परफॉर्म बाय यंगेस्ट एंड दे स्टैंड वन बिहाइंड द अदर होल्डिंग द कोट टेल ऑफ वन इन फ्रंट. तो आपके इस डांस फॉर्म का नाम बताइए जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी है क्वेश्चन में, घुंघटी, बिरसू, करथी या बूरा. देखिए अब ये यूजलेस डिस्कशन है कि एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा. इस वक्त आप जो कर सकते हैं आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हैं, राइट. और ये अभी 2 हफ्ते बाद की बात है. हाँ जी, 44 का ए कह रहे हैं काफी लोग, बिल्कुल. हाँ, सो लेट्स फोकस ऑन आर थिंग विच इज प्रिपरेशन एंड रिविजन राइट नाउ. बिल्कुल आंसर है आपका ए, घुंघटी, करेक्ट. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बैले परफॉर्मर्स परफॉर्म्स द इंसिडेंट्स ऑफ अ लव स्टोरी बिटवीन विलेज वैले एंड अ वॉन्डरिंग एसेटिक. द गर्ल्स फादर एडवाइज हर नॉट टू मैरी द वैगरेंट बट शी रन्स अवे एंड मैरी हिम.
ठीक है, तो आपका यूजुअली ये एक डांस ड्रामा टाइप है जिसमें ये डिपिक्ट किया जाता है कि एक लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है, उसके लड़की के फादर मना करते हैं किससे शादी मत करो ये आवारा सा है, बट वो फिर भी करती है, राइट। तो ये आपका कौन सी में दिखाया जाता है, सी, रावल, बुरा या नन ऑफ द अब। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल आंसर है इसका बी। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपकी है, द डायलेक्ट स्पोकन इन रामपुर बुशहर, कुमारसेन एंड कोटगढ़ रीजन एंड इन द नियर बाय पार्ट ऑफ सतलुज वैली इज कॉल्ड कोची। सेकेंड है, ब्राड़ी इज अ डायलेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ जुब्बल तहसील एंड ऑल्सो ऑफ द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ कोटखाई तहसील एंड रोडू तहसील। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हाँ जी, तो यहां पे आपका जो है ये आपका बेस्ड है लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स पे क्वेश्चन। लास्ट 5 क्वेश्चन आपके लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स पे बेस्ड है। हाँ जी, 46 का बी कह रहे हैं काफी लोग, सारे ही बी कह रहे हैं मैक्सिमम। तो आइए देखते हैं, आंसर है आपका बी, तो दोनों ही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, किनौरी जंगराम मिक्सचर इज अ डायलेक्ट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, रक्षम, संगौर, आपका शायतो, असलान। तो किनौरी जंगराम है मतलब आपका किन्नौर में ही है, किन्नौर के कौन से हिस्से में है ये आपसे यहां पूछा गया है। हाँ जी, 47 का, तो आई होप आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि आउट ऑफ 50 कितने करेक्ट है। हाँ जी, ए बी सी, पहले 3 आंसर में ए बी सी आ गए, सी बी। देखिए, अब ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, इनके इनके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इनको हमें रटना ही होता है और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ही होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबके कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपका आंसर है ए। तो किनौरी जंगराम मिक्सचर है ये आपका रक्षम और चितकुल विलेज में, जो कि सांगला तहसील में है, वहां पे बोली जाती है, राइट, आंसर है आपका ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डन द फॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ पहाड़ी डायलेक्ट्स इन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट है आपका डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा, जी ए ग्रेवसन, एन सी आर सी निगम या फिर टी ग्राहम बेली। हाँ जी, 48 का बी कह रहे हैं काफी लोग। तो पहाड़ी डायलेक्ट की फॉर्मल क्लासिफिकेशन किसने की है, बिल्कुल आंसर है आपका जी ए ग्रेवसन। नेक्स्ट है आपका 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है आपका, फॉर्मरली पहाड़ी यूज टू बी रिटन इन द टंकरी स्क्रिप्ट। सेकेंड है, द पहाड़ी लैंग्वेज एट प्रेजेंट इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट आपको यहां पे बताना है। हाँ जी, 49 का डी, सी, मैक्सिमम लोग डी कह रहे हैं, बी भी आया बीच में, तो नॉट करेक्ट का ध्यान रखिए। देखिए, यहां पे आपका आंसर है डी। तो फॉर्मली पहाड़ी जो है वो आपकी टंकरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, और पहाड़ी लैंग्वेज इस वक्त जो है आपकी वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट इज स्पोकन इन लाहौल स्पीति, हैज अ ग्रामर एंड अ स्क्रिप्ट। तो किसकी ग्रामर भी है, स्क्रिप्ट भी है, गहेरी, मंचत, भोटी, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, 50 का सी कह रहे हैं काफी लोग। डी भी आ रहा है बीच में। हाँ जी, तो रेडी हो जाइए, आउट ऑफ 50 कितने करेक्ट है आपके, जल्दी से मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो यहाँ पे आपका सी और डी में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आंसर है आपका सी, ओनली भोटी। भोटी है जिसमें ग्रामर भी है और स्क्रिप्ट भी है, और ये लामाज के द्वारा आपकी मोनेस्ट्रीज में पढ़ाई जाती है, राइट। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। तो आई होप आपके ओवरऑल कवरेज हो गई है, डिस्ट्रिक्ट की हम पहले ही कर चुके थे, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी, बाकी बचे हुए टॉपिक की हमने आज की है। हाँ जी, साहिल के 23 आउट ऑफ 50, वेरी गुड वेरी गुड।
आपने अटेम्प्ट किए, काउंट किए, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी गीतांजलि 45, वेरी गुड। अभिषेक के नियर बाय 40, प्रियंका के 44, हाँ जी आरती 46। अच्छा डिस्ट्रिक्ट वाले पीडीएफ नहीं मिले, ठीक है जी। शिखा के 40। देखिए अब आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें ज़रूर थोड़े टफर लेवल पे क्वेश्चन रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस जो है वो रिवीजन होता है। तो यहाँ पे कोई भी डिसहार्टन मत हो कि हमें नहीं आता, क्योंकि आपका ऑन पर्पस है। जनरल चीज़ें हैं वो अभी तक आपने रिवाइज कर ली, आपको आती है। यहाँ पे एम रहता है कि जो थोड़े डिफरेंट फैक्ट्स है जो हमारी नज़रों से बच जाते हैं, छूट जाते हैं, वो हम डिस्कस करें, ठीक है। तो टेक इट एज अ लर्निंग, जिसके नहीं भी कम भी करेक्ट है, क्योंकि कुछ लोग ही बता रहे हैं, ठीक है। अपना स्कोर विवेक के 49, मोनिका 43। क्यों डाले थे, कैसे डाले थे तो अब नहीं पता, बट आए थे, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए, राइट। हाँ जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। तो अब नेक्स्ट सेशन आपका रीजनिंग का स्टार्ट होगा। हाँ जी ऑल द वेरी बेस्ट।